नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। शाहरुख खान की मूवी को आज बॉक्स ऑफिस पर टोटल 10 दिन हो चुके हैं और इस मूवी ने अपने 10 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर लिया है। और इसके साथ साथ शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान दोनों एक साथ डेब्यू करते हुए दिख रहे हैं। और इस मूवी में शाहरुख खान का करेक्टर है मुसाफा का करेक्टर निभा रहे हैं और उनके बेटे सिम्बा का कैरेक्टर निभाते हुए दिख रहे हैं। और इसमें यह बता रहा है कि शाहरुख खान कैसे हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। और यह मूवी 1994 में पहले रिलीज की गई थी, अब टोटल 25 साल बाद इस मूवी को दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस मूवी को 4 से 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया। और अब हम बात करें इस मूवी ने अपने 10 दिनों के अंदर अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है। देखते रहिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक जरूर कर देना। इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 11,06,00,000 रुपये कर लिए। और अपने सेकेंड ही दिन की बात करें इस मूवी ने 19,15,00,000 रुपये कमा लिए हैं। और अपने फर्स्ट ही वीकेंड में इस मूवी ने 81,57,00,000 रुपये अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। और आठवें दिन की बात करें इस मूवी ने 15,00,000 रुपये कमा लिए हैं। और नौवें दिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 8,00,000 रुपये का कलेक्शन कर लिया है। और दसवें दिन इस मूवी ने 12,00,000 रुपये कमा लिए हैं। और इस मूवी का टोटल 10 दिनों का कलेक्शन हो चुका है 116,57,00,000 रुपये इस मूवी ने कवर कर ली है। और अब हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, वर्ल्ड वाइड पर 5,600,00,000 रुपये मूवी में कवर कर ली है। और ओवरसीज से इस मूवी ने 3,500,00,000 रुपये अपने कब्जे में कर ली है। और यह मूवी इंडिया में कम देखी जा रही है और वर्ल्ड वाइड पर ज़्यादा देखी जा रही है। और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए शाहरुख खान की मूवी द लॉन किंग आप सबको कैसे लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन में क्लिक जरूर कर देना। थैंक यू।